और कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल कमल उत्तम अध्यक्ष के नेतृत्व में सर्किट हाउस में छत्रपाल सिंह गंगवार राजस्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया है। व्यापार मंडल ने मांग की है कि स्कूलों का हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में छूट मिलना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकार ने टैक्स कर माफ कर रखा था। बिजली का बिल कमर्शियल ना होकर समान दर से लिया जाना चाहिए और वहीं स्कूलों को सोलर पैनल में सब्सिडी प्रदान की जाए जिससे बिजली बचत हो सके। शेष बिजली कैसी हो और कैसे सप्लाई की जा सके इस पर लेकर के ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से कमल उत्तम अध्यक्ष कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल और अरविंद वर्मा, संजय सचान, स्वप्निल पटेल, जितेंद्र सचान पार्षद के साथ साथ अशोक सिंह और विजय शर्मा के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज जिस तरह से कानपुर दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल जो है वो पहुंचा था, और इसी को लेकर के आपको बता दें कि अध्यक्ष कमल उत्तम जो है अध्यक्ष थे, उनके साथ पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, राजस्व राज्य मंत्री से मुलाकात की, और उसके बाद आपको बता दें कि मुलाकात के साथ अपनी मांगे रखी कि बिजली जो कि स्कूलों में दी जाती है उसमें कॉमर्शियल की जगह समान दरें लागू की जाए और वाटर टैक्स में भी छूट हो, साथ ही साथ सोलर पैनल में सब्सिडी जो है वो दी जाए ताकि बिजली की बचत हो सके। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कानपुर में आज दक्षिण उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष उत्तम के साथ, आपको बता दें कि मंडल के तमाम सदस्य जो हैं वो आज मिलने पहुंचे थे राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार से, और वहां पे उन्होंने उनको ज्ञापन सौंपा और आपको बता दें कि उनकी अपनी मांगे रखी बिजली और वाटर टैक्स को लेकर के। और इसी पर हमारे साथ दक्षिण के व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल उत्तम जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, स्वागत है आपका जेएमटी न्यूज़ पे। पहला सवाल, जिस तरह से आप आज राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार साहब से मिले और अपनी मांगे रखी, इसको लेकर के राज्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है आपसे? सर, उन्होंने आश्वासन दिया है छत्रपाल सिंह गंगवार जी ने, राज्य मंत्री ने, व्यापारियों की समस्या को हम देखेंगे कि किस तरह से स्कूल कॉलेजों का जो एक सहयोग करते हैं छात्रों के लिए, उनके लिए जितना भी छूट होगी हम खुद बिजली विभाग में देने का आश्वासन दिया जी। और मंत्री जी का क्या कुछ इस पर कहना है? मंत्री कहना तो बहुत अच्छी बात है, जो विद्यालयों में स्कूल और कॉलेजों में विद्यालयों में जो कनेक्शन होता है उसको उपयोग में लिया जाता है, कमर्शियल में उसको लघु उद्योग में दिया जाए और उसको क्या नाम है जितना भी चार्ज लगा करके उसको जो भी दिया जाएगा इसको हम अपने मंत्रालय में रखेंगे, क्या कहेंगे और जल्द उसका कमाना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल उत्तम जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ दक्षिण कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष कमल उत्तम जुड़े थे, और उनका कहना है कि राज्य मंत्री से हमने अपनी मांगे रखी और उन्होंने कहा कि जल्दी जल्द इसका निस्तारण जो है वो किया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।